मैं हूँ रंजन गौतम पत्र और यहाँ पर मेरे पास एक ओप्पो रेनो 2Z का एक हैंडसेट है। तो उसको तो अभी तो मैं रिपेयर करूँगा, तो रिपेयर से पहले मैं उसकी जो बैक पैनल है कैसे उसको रिमूव करूँगा वो बस मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। और किसको भी दिक्कत हो तो उसकी बैक पैनल कैसे उसको रिमूव करना है वो मेरा वीडियो देखकर आराम से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह देखें उस पर जो ऊपर से जो साइड पर उसकी जो साइड कट है उस पर आपको यहाँ पर हल्का सा हिट देना होगा आपकी डोर पे। यहाँ पर देखिए और ये बहुत अच्छा फ़ोन भी है, क्या है कि ये फ़ोन एक आदमी दे गिर गए और रोड साइड पर गिर गया था इसलिए ये इस तरह हो गया। लेकिन ये उसका जो बैक पैनल है ये भी मार्केट पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो इससे भी कोई परेशान नहीं है, आप चाहिए तो नया भी लगा सकते हैं। क्योंकि तो आपको ब्लोर पे यहाँ पर साइड पे आपको हिल देना है और यहाँ पर हिट देने का बात तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दे देंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए तो हिट देने का बात तो यहाँ पर आप इस तरह बैक पैनल सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप रिमूव करेंगे जो कि ये देखिए उसकी बैक पैनल ओपन हो गया और ये भी बहुत शीशा भी टूट रहा है। और उसके बाद देखिए तो ये जो थोड़ा पेस्ट लगा हुआ था जिसको मैंने अभी क्लीन कर लिया और उसके बाद उसकी जो काफ़ी सारे स्क्रू होता है उसको अभी मैं रिमूव करता हूँ वन बाय वन। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दे दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ और उसकी काफ़ी जो उसकी जो सारे स्क्रू आपको रिमूव करने के बाद यहाँ पर साइड पर उसके लॉक है तो इस लॉक को आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर और एक स्क्रू रह गया है और यहाँ पर देखिए ये उसकी सपोर्टर है उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखिए आपकी कैमरा है और ये उसकी स्पीकर है और इस तरह आपको ये उसको नुकसान पड़े तो प्लीज़ हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक ज़रूर दे दीजिए। तो ये है आपकी दोस्तों रेनो 2Z की हैंडसेट है।